कोई रुक नहीं, कोई पैसे देने, कोई पैसे देने। हमने कल जाने दिया, यदि कोई यहाँ से कल गया था, कल कोई गया था यहाँ से, कल भी गए थे। सो हेलो गाइज, वेलकम टू राहुल रमोला व्लॉग्स। एंड आज है 10 सितंबर और जी ट्वेंटी समिट हो रहा है दिल्ली में, उसका आखिरी दिन। तो 3 दिन से बाहर नहीं निकले हैं, तो आज मैं थोड़ा सा बाहर निकलने वाला हूँ। देखता हूँ रोड पे क्या हालचाल है, कितना पुलिस रोक रही है या नहीं, देखते हैं। गुड़गांव में कल बारिश भी हुई है, तो कुछ इस तरीके से हाल है यहाँ पे। देखो पूरी पार्किंग में पानी पानी भरा पड़ा है, मुझे यहाँ साइड से निकल के आना पड़ रहा है, पर चलो चलते हैं यार। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बारिश का हाल गुड़गांव में, कल रात काफी बारिश हुई थी 9 तारीख को और 10 तारीख की रात को। तो मैं निकल रहा हूँ सबसे पहले साइबर सिटी और यू ब्लॉक की ओर, तो देखते हैं वहां पे। मैंने सुना है ट्राइडेंट के आसपास पुलिस काफी है, शक्ति वहां पे काफी है, क्योंकि उस एरिया में मतलब पूरा ट्राइडेंट बुक है। तो वहां पे रुके हैं या नहीं रुके हैं वो तो किसी को भी कंफर्म नहीं है, ऐसे ही मतलब सारे होटल्स बुक करके रखे हुए हैं, तो ऐसे न्यूज तो आती रहती है, तो भगवान जाने वहां पे क्या है। बट मैं उस साइड से अभी निकलने की सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि जब उस साइड बंद है तो फायदा नहीं है। बाकी अभी मतलब देखते हैं, अगर दूसरे कोई अदर मतलब जो डाइवर्ट रूट है उन पे भी अगर कुछ चेकिंग है या नहीं है। तो अभी मुझे एक और चीज भी पता थी लगी है कि जो वहां पे कमांडोज हैं वो सुबह से लेके शाम तक जो ट्राइडेंट होटल है उसके आसपास के जो एरियाज हैं उसमें चक्कर मार रहे हैं इधर से उधर, मतलब काफी हाई टाइट सिक्योरिटी है वहां पे। तो आज के लिए वो रूट इग्नोर करना ही बेहतर होगा। और देखो गुड़गांव में पानी ही पानी भैया, पानी ही पानी, वो तो फिर भी आज कम है, नहीं तो ये पूरी रोड भरी हुई होती है, वो भी काफी हाइट तक गाड़ियां डूब रही होती हैं वहां यहाँ पे। सो गाइस आज 10 तारीख का जो दिन है वो कुछ अभी प्लान्ड नहीं है कि मतलब क्या करना है क्या नहीं, मतलब अभी भी जैसे हम नॉर्मली ट्रैवल व्लॉग्स में क्या होता है प्लान्ड होता है कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं तो हमारा वो फिक्स रहता है, लेकिन डेली व्लॉग्स के हिसाब से हमारा कुछ प्लान्ड नहीं होता। तो अभी के लिए मैं मतलब था कि हाँ थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे तो वो हो जाए तो अच्छी बात है, शॉपिंग करूँगा और ही मतलब देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा हम भी कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, तो लेट्स सी। पहले तो अभी मैं आ गया हूँ मतलब ये सेक्टर 22 के मार्केट के आसपास, तो पूरा रोड अभी खाली है गुड़गांव में और जो नॉर्मल मतलब प्राइवेट व्हीकल्स हैं चल रही हैं, अब वो कहाँ तक चल रही हैं आई डोंट नो। ऑल राइट गाइज, अभी मैं हूँ यू ब्लॉक में और सामने देखो पूरा का पूरा बिजली का खंबा, भाई साहब यू ब्लॉक में तो नहीं, ये मतलब उद्योग विहार का एरिया है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा खंबा निकला पड़ा है, अब इसके आगे पीछे गाड़ी निकालनी पड़ेगी, एंटीना टच ना हो जाए। चलो भाई देखो बारिश के हाल देखो गुड़गांव में, कहीं पेड़ टूट रहे हैं कहीं कुछ हो रहा है, अभी मेरी विंडशील्ड पे भी बूंदे बूंदे हो गई हैं काफी सारी। तो अभी मैंने पता किया कि वो यू ब्लॉक का जो रास्ता है और जो एमजी रोड जाने का रास्ता है वो उद्योग विहार के दूसरे साइड से मतलब खुला हो सकता है, तो मैं ट्राई करके देख रहा हूँ, क्योंकि ट्राइडेंट वाली साइड तो बंद है भाई कंफर्म, एंड इस साइड से शंकर चौक पे जाके देखते हैं शंकर चौक खुला है या नहीं। एक साइड मैंने सुना शंकर चौक बंद है, इस साइड का देखते हैं चेक करते हैं, इस शायद इस साइड से खुला होना चाहिए, देखते हैं। तो फाइनली एंटर्ड इन साइबर सिटी, देख सकते हैं आप गाइस ये है अपना साइबर सिटी गुड़गांव,
ये इसके ऊपर भी पार्क है, आप इवनिंग मॉर्निंग वॉक इस पे कर सकते हैं, बहुत सही बना हुआ है। ऑल राइट गाइस, सो अभी मैं एक शॉप पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा पैंट वगैरह लेनी थी मुझे, तो देखते हैं। लास्ट टाइम बीमार्ट से लिया था, इस बार देखते हैं यहाँ मिल जाए। गाइस अभी मैं ले रहा हूँ एक ये वाली जीन्स, ये दूसरा, और एक ये वाली जीन्स। तो एक ब्लू, एक थोड़ा सा डार्क ग्रे शेड है और एक लाइट ग्रे शेड है। तो पहली बार मतलब मैं ब्लैक शेड से थोड़ा सा ग्रे ग्रे में देख रहा हूँ, देखते हैं कुछ टाइम ही पहननी है, चलाते हैं। सो गाइज अभी मैं साइबर सिटी के आसपास से ही गुजर रहा हूँ, एंड जाना है मुझे वापस घर की ओर। तो थोड़ी सुबह जैसे बारिश हो रही थी, तो अभी दिन के 3 बज रहे हैं एंड बारिश ऑलमोस्ट बंद हो गई है और मौसम काफ़ी साफ हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो मज़ा आ रहा है क्योंकि रोड खाली है G20 समिट की वजह से, तो ज़्यादा रश नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। सो गाइज अभी मैं हूँ दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे पे, और सामने जो रास्ता जा रहा है इफ्को चौक और राजीव चौक, ये रास्ता मतलब आगे जयपुर तक जाएगा, और जयपुर से आगे ऑब्वियसली पूरे राजस्थान होके ये आगे मतलब मुंबई एक्सप्रेस वे पे भी कनेक्ट होता है। सो गाइज मॉर्निंग में मैं जिस रास्ते से गया था उस रास्ते से आने नहीं दिया पुलिस वालों ने, डाइवर्ट कर रखा था शंकर चौक वाला रास्ता, तो मेरे को पहले वहां से इफ्को चौक जाना पड़ा, फिर वहां से घूम के मैं एयरटेल भारती की लाइन में से आया यहाँ पे यू टर्न लेके, फिर मेरे को बीच बीच के रास्ते यूज करके काफी लंबा घूम के मेरे को वापस उद्योग विहार के आसपास आना पड़ा। तो फाइनली मैं उद्योग विहार में एंटर कर चुका हूँ, तो चलते हैं आगे। सो गाइज अभी मैं घर आ गया हूँ एंड काफ़ी मतलब थक गया था, तो मैं सो गया था सबसे पहले, तो मैं सो गया, उसके बाद अभी हो गया रात के 8 बज रहे हैं, तो मैंने कहा अब टाइम आ गया है कि ब्लॉग को एंड किया जाए। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करूँ, जिसने मेरी पुरानी तुंगनाथ और केदारनाथ सीरीज़ नहीं देखी वो जाके देख ले, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था, जो मैं मिस कर गया था बीच में बताना आपको, जो वो शंकर चौक वाला रास्ता था वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैरिगेटिंग थी, तो कोई शूट करने नहीं दे रहा था, वो आने जाने भी नहीं दे रहे थे, तो मतलब वो चोरी छुपे कोई शूट कर लिया तो कर लिया, नहीं तो वहाँ पे शूट करने नहीं दे रहे थे लोग। टोल के आसपास भी बहुत लोगों को दिक्कत हुई, तो ये जो मैं आपको वीडियोज़ दिखा रहा था स्टार्टिंग में क्लम्स, वो हमारे ही मतलब कुछ यार दोस्त हैं जिनको प्रॉब्लम्स हो रही थी सेम डे पे टोल क्रॉस करने में या दिल्ली विल्ली जाने में, तो दिल्ली से जो लोग ऑफिस वगैरह आ रहे थे उनको दिक्कत हो रही थी, बहुत सारे ऑफिस खुले भी थे, तो आई डोंट नो हाउ दे सर्वाइव दैट टाइम, तो वो बहुत दिक्कत की वाली बात थी, बट आफ्टर ऑल G20 समिट था तो सिक्योरिटी तो होगी, एंड ये अच्छी भी चीज़ है, हम इंडिया में पहली बार था तो ये एक खुशी की बात भी है। सो गाइज आई नो थोड़ा सा बोरिंग ब्लॉग है, हमारे लाइफस्टाइल में कुछ ज़्यादा एंटरटेनिंग है नहीं, क्योंकि भैया अभी हो सकता है आगे जाके कुछ एंटरटेनिंग हो, ट्रैवल हो, तो इस मंथ में जो हमारा नेक्स्ट आफ्टर केदारनाथ के बाद 2 हफ्ते और बीत गए, बट क्या करूँ, नई जॉब स्टार्ट करी है तो ईजिली मतलब हम छुट्टी नहीं ले सकते, सैटरडे संडे होते हैं, एक और दिन लेना है। वैसे मैं फिर भी बता दूं, तुम्हारा भाई तो फिर भी छुट्टी ले ही लेता है, तो नेक्स्ट ट्रिप प्लान हो रही है मोस्ट प्रोबेबली आज तो नहीं बट लाइक अपकमिंग वीकेंड में भी नहीं, बट शायद इस मंथ के एंड तक हम नेक्स्ट ट्रिप प्लान कर लेंगे, एंड दैट विल बी आई थिंक राजस्थान जाएंगे या कहीं और किसी भी प्लेस पे होगा, वो प्लेस मैं डिस्क्लोज कर दूंगा धीरे धीरे नेक्स्ट ब्लॉग्स में, जैसे जैसे मैं डिसाइड करता हूँ, आप तो जानते ही हो हमारा तो चलते चलते ही डिसाइड होता है, तो होप सो कि मतलब कोई नई डेस्टिनेशन हम प्लान करेंगे इस बार, एंड मिस कर रहा हूँ इस बार, 2 हफ्ते से मैं कहीं गया नहीं ना, और मैं एक आध हफ्ते में भी मतलब नहीं रह पाता घर पे, तो इस बार 1 महीने का गैप तो लेंगे हम, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि इस महीने के एंड में सितंबर
एंड में और अक्टूबर के स्टार्टिंग के जो वीकेंड्स हैं उनमें, प्लस अपनी लीव्स लगा के हम एक लॉन्ग टूर ट्रेवल करें। तो तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ।